आखिर कैसे एक मामूली सेल्समैन से लड़का बन गया 3 मिलियन डॉलर्स की संपत्ति का मालिक। एक सफल कंपनी को बनाने का इनका सफर कैसा रहा और इस सफर में इन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा और आखिर क्यों इन्होंने पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 26 दिसंबर 1973 से, जब हरियाणा के भिवानी जिले में रहने वाली एक मिडिल क्लास फैमिली में विकास दिव्य कीर्ति जी का जन्म हुआ। जिन्हें नहीं पता उन्हें हम बता दें कि हम बात कर रहे हैं दृष्टि डिविजन कोचिंग इंस्टीट्यूट के विकास दिव्य कीर्ति जी की, जहाँ से हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करते हैं। इनके परिवार की बात करें तो परिवार में शुरू से ही पढ़ाई को बहुत जरूरी माना गया। इनके पिता महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में हिंदी लिटरेचर के प्रोफेसर थे, वहीं माँ भी स्कूल में टीचर थे। इनके दो भाई हैं, एक भाई अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जबकि दूसरा भाई एक सिविल ऑफिसर है जो सीबीआई में डीआईजी के पद पर है। विकास जी की पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई हरियाणा के सरस्वती शिशु मंदिर से पूरी की। विकास जी शुरू से ही मैथ्स और हिंदी में बहुत अच्छे थे, उनको जब भी वक्त मिलता तो वो अपने समय में मैथ्स और हिंदी पर ही फोकस करते थे। रही बात इंग्लिश की तो इंग्लिश उनके कोई खास पल्ले नहीं पड़ती थी, लेकिन ट्यूशन वगैरह करके उन्होंने अपनी 10th कंप्लीट कर ली। और इस बात को तो शायद आपने कई बार रील्स या इंटरव्यूज में नोटिस किया होगा कि वो हिंदी में ही बात करना पसंद करते हैं। ये उनका हिंदी के प्रति लगाव ही है जो उनकी बातों से साफ झलकता है। उसके बाद विकास जी ने सोचा कि वो अपनी ग्रेजुएशन हिस्ट्री से कंप्लीट करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। उस समय तक उनके घर की स्थिति ठीक नहीं थी, उन्होंने सोचा कि पढ़ाई पूरी करनी है तो उसके लिए उन्हें काम करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। साथ ही अपने खर्चे के लिए उन्होंने एक शॉप में सेल्समैन की नौकरी भी की। आपको बता दें, जब विकास जी कॉलेज टाइम में थे तभी से उन्हें पॉलिटिक्स में काफी इंटरेस्ट था और इसी वजह से वो वहाँ पर प्रोटेस्ट का हिस्सा रहा करते थे। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने आईएएस बनने का सपना देखना शुरू कर दिया था और पढ़ाई के दौरान ही यूपीएससी की तैयारी में जुट गए। आगे चलकर मास्टर्स की डिग्री हासिल करने के बाद विकास जी को दिल्ली यूनिवर्सिटी से असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब का ऑफर आया, जिसके लिए उन्होंने हाँ कर दी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की पोस्ट संभाल ली। चलिए अब जानते हैं कि उन्होंने अपना यूपीएससी का सपना कैसे पूरा किया। तो दोस्तों, साल 1996 में उन्होंने हिस्ट्री को ऑप्शनल सब्जेक्ट मानकर यूपीएससी का फॉर्म फिल कर दिया। विकास सर अपनी यूपीएससी की तैयारी में जुट गए। पढ़ाई के दौरान उन्हें रियलाइज हुआ कि वो हिस्ट्री से बेटर सोशियोलॉजी में कर सकते हैं और अपनी इसी पॉजिटिव सोच को बरकरार रखते हुए उन्होंने यूपीएससी का फॉर्म दोबारा सोशियोलॉजी से भरा। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था और विकास जी को ऐसा लग रहा था कि वो काफी पॉजिटिव है, लेकिन जैसे ही एग्जाम की डेट नजदीक आई उन्हें ऐसा लगने लगा कि शायद वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे और उनके ऊपर नेगेटिविटी हावी हो गई, जिसके चलते उन्होंने एग्जाम ना देने की ठानी। और जब उनके किसी खास दोस्त को ये पता चला तो उसने उन्हें काफी समझाया, लेकिन जब उसकी बातों का भी विकास जी पर कोई असर नहीं हुआ तब उनके पिता ने एक दोस्त की तरह अपने बेटे को समझाते हुए कहा कि एग्जाम दिए बिना ही अपना रिजल्ट डिक्लेयर करना कोई समझदारी की बात नहीं है, एग्जाम में बैठो, नहीं निकलेगा तो कोई बात नहीं। अपने पिता की ये बात सुनकर विकास और लगन से अपनी पढ़ाई की तरफ फोकस करने लगे और इस तरह से इन्होंने अपने एग्जाम दिया और अपने पहले ही अटेम्प्ट में इन्होंने अपना प्रीलिम्स क्लियर किया और उसके बाद इन्होंने अपने मेंस को भी क्लियर कर लिया। अब इंटरव्यू में इनको इतना डर नहीं लग रहा था, ये इंटरव्यू में काफी कॉन्फिडेंट थे। विकास जी ने अपना इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया, लेकिन जब विकास जी की रैंक आई तो वो काफी नाखुश हुए क्योंकि वो अपने आप को टॉप 20 में डिजर्व कर रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस समय विकास जी को CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की पोस्ट दी गई, लेकिन उनके मेडिकल इशू होने की वजह से उन्हें गृह मंत्रालय में डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज में सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट दी गई। कुछ महीने इस जॉब पर काम करने के बाद विकास दिव्य कीर्ति जी ने इस जॉब से रिजाइन कर दिया। आगे चलकर यूपीएससी के कई अटेम्प्ट्स क्लियर किए, लेकिन विकास जी जैसा चाहते थे वैसा हो नहीं पाया क्योंकि कभी मेंस में उनकी रैंक कम हो जाती तो कभी इंटरव्यू में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता था। तो दोस्तों, इस तरह से एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार यूपीएससी क्लियर करने के बाद भी विकास दिव्य कीर्ति जी आखिर कैसे दृष्टि आईएएस से जुड़े, आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। जब विकास जी अपनी यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे उस समय उनके पास कई स्टूडेंट्स अपने डाउट्स क्लियर करने आया करते थे और विकास जी बड़े ही बेहतरीन तरीके से उनके डाउट्स क्लियर करते थे, जिससे वहाँ के स्टूडेंट्स उनसे काफी इम्प्रेस होते और धीरे धीरे बच्चों की संख्या इतनी बढ़ गई कि एक कमरे में स्टूडेंट्स समा ही नहीं पाते। फिर कई बच्चों के जोर देने पर उन्होंने कोचिंग खोलने की सोची। वो दिन था 1 नवंबर 1999, जब विकास जी ने दृष्टि डिविजन कोचिंग को एस्टैब्लिश किया। बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ विकास जी ने अपनी मास्टर ऑफ फिलोसफी यानी MPhil हिंदी से PhD और LLB भी पूरी की और इसी तरह वो आगे पढ़े। इन्होंने यूपीएससी की तैयारी करने के बजाय अपना पूरा ध्यान अपने इंस्टीट्यूट पर लगा दिया। शुरुआत में उन्होंने अपना ये इंस्टीट्यूट दिल्ली के मुखर्जी नगर में एस्टैब्लिश किया, लेकिन धीरे धीरे डिमांड इतनी बढ़ने लगी कि उन्होंने कई और शहरों में अपने इंस्टीट्यूट खोलने शुरू कर दिए, जिसमें इंदौर, प्रयागराज, जयपुर और लखनऊ जैसे शहर शामिल है। सब कुछ बिल्कुल अच्छा चल रहा था और विकास जी को इस बात का कोई अफसोस नहीं था कि वो यूपीएससी में सिलेक्ट होने के बाद भी जॉब को नहीं कर पाए, क्योंकि अब वो इस बात से खुश थे कि वो अपने तैयार किए गए बच्चों को यूपीएससी क्वालिफाई करते हुए देख पाएंगे और यही उनके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात थी। दोस्तों, आपको शायद याद होगा हमने ऊपर आपसे कहा था कि विकास जी पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्टेड थे, इसलिए साल 2015 में कुछ खास लोग की रिक्वेस्ट पर उन्होंने पॉलिटिक्स में जाने का मन बनाया। इसकी शुरुआत उन्होंने अपनी सोसाइटी से की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो एक अच्छे इंसान हैं
तो इस वजह से जीत तो होनी निश्चित थी और अपनी मौजूदगी में उन्होंने बहुत से अच्छे काम किए जिसकी वजह से लोग उनसे काफी इम्प्रेस हुए। उन्होंने अपने काम में ट्रांसपेरेंसी रखते हुए हर काम को अपने साथियों के साथ डिस्कस किया और सबकी सहमति से उस काम को अंजाम दिया। सोसाइटी में बदलाव आने की वजह से लोगों ने उन्हें काफी पसंद किया। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ पर पॉजिटिविटी होती है थोड़ी बहुत नेगेटिविटी भी आ ही जाती है। ठीक ऐसा ही हुआ यहाँ पर विकास जी के साथ। कुछ क्रिटिक्स ने उन्हें काफी परेशान किया और इन्हें कई प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ा। इतना ही नहीं, इन पर आरोप भी लगाया गया जिससे ये काफी बीमार रहने लग गए। उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने उन्हें टेस्ट के बाद ये कह दिया कि आप बिल्कुल फिट हैं। लेकिन जब वो एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए तब उन्होंने विकास जी को बताया कि आपको किसी तरह की एंग्जायटी परेशान कर रही है। डॉक्टर की सलाह पर ही उन्होंने अपने पॉलिटिक्स करियर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। दोस्तों, इस्तीफा देने के एक हफ्ते बाद ही विकास जी को अपनी सेहत में सुधार नजर आने लगा और उन्होंने दवाइयों का सहारा लेना भी छोड़ दिया। चलिए अब जानते हैं कैसे उन्होंने बच्चों को यूपीएससी की तैयारी कराई जो महंगी महंगी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते थे। विकास दिव्य कीर्ति जी इस बात से भली भांति वाकिफ थे कि अगर पैसों की कमी होती है तो ऐसे में पढ़ाई को ही सेक्रीफाइस करना पड़ता है। वो नहीं चाहते थे कि जो परिस्थितियां उन्होंने देखी वो आगे आने वाले बच्चे देखें। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए भारी भरकम फीस अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उनके लिए साल 2017 में 2 यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए ताकि इस प्लेटफॉर्म की मदद से वो फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर सके और उन लोगों की मदद कर सके जो सच में यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए सीरियस है। आपको बता दें, उन यूट्यूब चैनल्स में से एक का नाम है दृष्टि आईएएस और दूसरे का नाम है दृष्टि आईएएस इंग्लिश और यही वो प्लेटफॉर्म है जहां से दिव्य कीर्ति जी लाखों स्टूडेंट्स को यूपीएससी की प्रिपरेशन करवाते हैं। एक खास बात आपको बता दें कि यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए जितने लोग विकास सर से जुड़ते हैं उनमें से कोई ना कोई यूपीएससी में सिलेक्ट जरूर होता है। इस बात का अंदाजा आप इनके पढ़ाए हुए उन स्टूडेंट से लगा सकते हैं जिन पर एक फिल्म भी बनाई गई है जिसे शायद आपने देखा होगा। हम बात कर रहे हैं 12th फेल की, जो आईएएस मनोज कुमार शर्मा पर बनाई गई है और आपको बता दें उनके आईएएस बनने में विकास सर की अहम भूमिका है। साथ ही आपको बता दें इस फिल्म में विकास सर का छोटा सा रोल भी था और उन्होंने उस रोल के लिए केवल 101 रुपए ही लिए। ये काम विकास सर जैसे लोग ही तो कर सकते हैं। चलिए अब आपको दृष्टि डिवीजन से जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं। शुरू से ही दृष्टि डिवीजन का यही फोकस रहा कि वो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स पर ज्यादा फोकस करें। इस वजह से उन्होंने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए काफी लड़ाइयां भी लड़ी। साल 2011 में जब यूपीएससी में सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट लागू किया गया था तब वो प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स के साथ खड़े हुए क्योंकि विकास सर ऐसा मानते हैं कि सैंपल पेपर इंग्लिश में ही होते हैं और इसी वजह से वो स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम या दूसरी लैंग्वेज में पढ़ाई कर रहे होते हैं उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और इसी वजह से विकास दिव्य कीर्ति जी हर एक स्टूडेंट के चहेते हैं चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो या नहीं। विकास सर की सिंपल पर्सनैलिटी, काम नेचर ही लोगों को बहुत पसंद आता है। दोस्तों, अभी हमारा वीडियो सफर के अंतिम पड़ाव पर है, चलिए अब विकास सर की पर्सनल लाइफ के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। विकास सर जब कॉलेज में थे तो उनकी मुलाकात तरुणा वर्मा नाम की लड़की से हुई। दोनों में प्यार हो गया और ये बात विकास सर ने अपने पिताजी को बता दी। उनके पिताजी ने उस लड़की से मुलाकात की और वो उन्हें काफी पसंद आई और फिर साल 1998 में दोनों की शादी हो गई और आज उनका एक बेटा है और आज ये 3 मिलियन डॉलर्स यानी करीब 25 करोड़ के मालिक हैं। तो दोस्तों, इस तरह एक मामूली सेल्समैन से बना ये लड़का 3 मिलियन का मालिक और सबके दिलों का चहेता। आपको विकास दिव्य कीर्ति सर की कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें।